40 मिलियन वल्चर्स डाइड। 1990 और 2000 के दशक में वल्चर्स की आबादी 90% कम हो गई। कारण था एक केमिकल, एक ड्रग, डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक कैटल्स को दिया जाता था ताकि उनको पेन में, हाई टेम्परेचर में और स्वेलिंग से राहत मिल सके। लेकिन डिक्लोफिनेक का एक साइड इंपैक्ट था। मवेशी या कैटल जब मर भी जाते थे तो उनके लीवर और किडनी में डिक्लोफिनेक स्टोर्ड रहता था। वल्चर की, जैसा कि हम जानते हैं, एक स्कैवेंजर बर्ड है। मतलब वल्चर अपने सर्वाइवल के लिए डेड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं। और वल्चर का एक ईटिंग पैटर्न है, वो जब भी डेड एनिमल्स को खाते हैं एक ग्रुप और झुंड में ही रहते हैं। जब ये वल्चर किसी इंजेक्टेड कैटल को खाते हैं जिसमें डिक्लोफिनेक का केमिकल है, तो उसको खाने से ये डिक्लोफिनेक वल्चर्स के बॉडी में भी आ जाते हैं। और जब डिक्लोफिनेक वल्चर के बॉडी में जाते हैं तो मैक्सिमम इंपैक्ट उनके किडनीज को करते हैं और आखिरकार किडनी फेलियर की वजह से वल्चर का देहांत, यानी डेथ हो जाता है। यानी एक इंफेक्टेड डिक्लोफिनेक कैटल की डेड बॉडी 10 से 12 वल्चर्स को इंपैक्ट कर सकती थी। इसको देखते हुए 2008 में भारत सरकार ने डिक्लोफिनेक को भारत में वेटनरी यूज के लिए बैन कर दिया। लेटेस्ट में एक रिसर्च निकल कर आ रहा है कि एक नया पेन किलर निगोसलाइड आ चुका है जो वल्चर्स के पॉपुलेशन को थ्रेटन कर रहा है। ऐसे वीडियोस और जानकारी के लिए गैलेक्सीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।